Hey, hello everyone. I am Viren Singh Tomar from Raghu International School. एक बार फिर क्लास 7 के लिए आज लेकर आया हूँ टेस्ट. आपको लग रहा होगा सर आपने तो बताया ही नहीं टेस्ट के बारे में, आज आप टेस्ट लेकर आ गए. इट्स ए सरप्राइज टेस्ट. मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो जो मैंने पढ़ाया है उसको उन्होंने करा है कि नहीं करा है, कितना अच्छे से करा है. तो इट्स जस्ट लाइक सरप्राइज टेस्ट, तो घबराने की बात नहीं है. आज आपको टेस्ट करना है. कैसे करना है? बहुत सिंपल मैंने करना है. मैं आपको एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे आपको करना. पहले मैं आपको समय दूंगा आप करना, या आप चाहे तो इसको एक बोले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप कर लीजिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बताऊंगा, इनको हम सॉल्व करेंगे. मेरी बात समझ में आ रही? क्या बोला मैंने आपको? नहीं, ये कह रहा हूँ अगर आपको ये टेस्ट जो बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन में पूरे कर सकता हूँ तो वो वीडियो को स्टॉप करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद अपने सेल्फ से सॉल्व करो, ठीक है. और जिसको लगता है नहीं सर एक बार आप कराइए, टेस्ट उन लोगों के लिए है जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनको कराने के लिए मैं हूं. तो मैं आपको जिनको आ गया वो टेस्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं. क्लियर होती है इतनी बात? चलिए देखते हैं. पहला हमारा क्या क्वेश्चन है? -2 + 5 - 6 - 5 - 7 + 3, ठीक है. तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से समझाया है. किस तरीके से समझाया? दो तरीके से समझाया, सिंपल. देखिए क्या था, आप या तो पहले सारे प्लस वालों को एक तरफ कर लीजिए और सारे माइनस वालों को एक तरफ कर लीजिए. ऐसी बात हुई हमारी, या तो सारे प्लस के जो नंबर है उनको एक तरफ कर लें और सारे जो माइनस के नंबर है उनको एक तरफ कर लें तो भी हमारा हो सकता है, या फिर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप करते पहले हम -2 + 5 कितना हो जाएगा? -2 + 5 हो जाएगा 3 + 3 +3 - 6 कितना हो जाएगा? +3 - 6 हो जाएगा -3. -3 - 5 कितना होगा? -8. -8 - 7 कितना होगा? -15. -15 + 3 कितना होगा? -12. क्या इसका आंसर -12 आ रहा है? किसका नहीं आ रहा है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. देखो -2 + 5 हो गया 3, फिर -6 है. -3 - 6 कितना हो जाएगा? अरे -3 - 6 कितना होगा? -3. यहाँ तक आ गए हम, -3. फिर ये -5. -3 - 5 कितना होगा? -8. कितना हो जाएगा? -8. यहाँ तक आ गए. फिर ये -7. -8 - 7 कितना हो जाएगा? -15. कितना होगा बेटा? -15. और ये +3. -15 + 3 कितना हो जाएगा? -12. यही आंसर आया था हमारा भी, -12. आगे बात समझो, इसका आंसर क्या आएगा? -12. देख लो चाहे आप, ये आंसर है इसका -12. क्लियर हो गई बात? अब देखो इसको करते हैं. -7 + 3 कितना हो जाएगा? -4. ठीक है, -7 + 3 कितना होगा? अरे -7 + 3 होगा -4. इसके बाद है -6. -4 - 6 कितना होगा? -10. कितना हो जाएगा? -10. फिर इसके बाद -5. -10 - 5 कितना होगा? -15. तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक सॉल्व करके आया हमारा -15. फिर है +7. -15 + 7 कितना होगा? -8. कितना होगा? -8. और ये +3. -8 + 3 कितना होगा? -5. कितना होगा? -5. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -5 इसका आंसर आ जाएगा. अरे क्लियर हो रहा है? क्लियर है? देखिए जीरो को किसी में भी प्लस कर दो, किसी में भी माइनस कर दो, कोई मतलब नहीं है, सिंपल हो जाता है. तो जीरो का तो खेल ही खत्म है. -3 + 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0. इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0. ये बात भी क्लियर हो गई सबको? क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देखिए क्या है, -2 + -2. अब इसमें देखिए ये -2, इसमें साइन थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे. प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? प्लस. अब ब्रेकर हटते चले जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा. माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? प्लस. अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप. देखिए -2 - -2 - -4, -4 + 2 - 2, -2 - 3 - 7,
माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस फोर, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस फोर। अरे क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है आपको। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीप्लाई का भी दिया हुआ है, देखिए क्या होगा माइनस थर्टी माइनस, इसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप माइनस साइन को काउंट कर लीजिए, एक बार दो बार तीन बार, वन टू थ्री टाइम्स आ रहा है माइनस, थ्री टाइम्स माइनस आ रहा है मतलब ऑड नंबर में आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस में आंसर आएगा, इसका कहीं आंसर आएगा माइनस में। मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्सटीन फाइव सा कितना होगा, सिक्सटीन टेन सा होता है 160, उस सिक्सटीन फाइव सा होता है 80, तो 160 प्लस 80 कितना हो जाएगा 240, 240 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको 1200, 240 में मल्टीप्लाई कर लो 1200 में मल्टीप्लाई कर लो 240 का आपको आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ये कर सकते हैं आप, आंसर जो भी आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। क्लियर हो गई बात, इतना क्लियर है आपको। चलिए अब एक और चीज समझ लो आप, वो मैंने आपको फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन दिए उसको करते हैं, इसको रब करूं मैं, चलिए इसको रब कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, माइनस टू अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन, दोनों का बेस क्या है बेटा सेम, सेम है तो मतलब एलसीएम भी सेम आ जाएगा, माइनस टू प्लस फाइव कर दो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, माइनस टू प्लस फाइव करूंगा तो फाइव माइनस टू थ्री, थ्री अपॉन थ्री आंसर किया वन, हमारा आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा बेटा वन। क्लियर होती है बात, ठीक है चलिए इसको रख कर लें। अब माइनस थ्री बाय टू और माइनस एट अपॉन फाइव, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा टेन, क्या एलसीएम आ जाएगा टेन, टू फाइव सा टेन, फाइव को मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, थ्री फाइव सा फाइव टू सा टेन, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, फाइव थ्री सा फिफ्टीन, एट टू सा सिक्सटीन अपॉन टेन, ठीक है माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन आ जाएगा माइनस थर्टी वन अपॉन टेन, क्या हो जाएगा माइनस थर्टी वन अपॉन टेन। इतनी बात क्लियर होती है, उसके बाद क्या था फाइव अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन फाइव, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा फिफ्टीन, क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा फिफ्टीन, थ्री फाइव सा फिफ्टीन, फाइव का मल्टीप्लाई फाइव के साथ कर दो, फाइव थ्री सा फिफ्टीन, थ्री का मल्टीप्लाई कर दो, फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव, थ्री टू सा सिक्स, ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स होता है नाइनटीन अपॉन फिफ्टीन, इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर क्या है इलेवन अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन टू, इन दोनों का एलसीएम होगी 14, 7 2 जा 14, 11 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, 2 7 जा 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दो, क्लियर हो रहा है 11 2 जा 22, 21 अपॉन 14, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 14, क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन आपको घर पे ही करना है, ठीक है सिंपल ही, क्लियर हो गई बात, ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है। और अभी जिन लोगों ने टेस्ट किया बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, वो लोग अपने आंसर्स उनको मैच कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है मेरे पर्सनल विंडो पर आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू।